मछली जो नगर निगम तेल लूटने आए थे, अपना जेब भरने आते थे। पहले के पार्षद नहीं सुनते थे, अभी के मेयर तक रोड पे रहते हैं, विधायक तक रोड पे रहते हैं काम करने करवाने के लिए। पहले ऐसा होता था कि बस बोलते रहो, कोई सुने तो सुने, नहीं तो नहीं। नंबर भी नहीं डायल करते थे नगर निगम वाले कि हमने किस पर कंप्लेंट करे। अब तो सीधे कंप्लेंट नंबर से ही कीजिए कि विधायक आ रहा है कि नहीं, नगर परिषद आ रहा है कि नहीं। तीन तीन महीने, चार चार महीने तक एमसीडी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करता था। अब एक तारीख को संडे हो या मंडे, एक तारीख को उसके से लिए मिल ले। पहले जो दिल्ली में नगर निगम थी उस समय सफाई की क्या व्यवस्था थी? उस टाइम में तीन पहाड़ों के नाम से जाना जाता था, बुरारे बाईपास, गाजीपुर मंडी और एक और पहाड़ था ओखला पहाड़। तीन पहाड़ के नाम से जाना जाता है। वो पहाड़ अब 60% खत्म हो चुकी है। परिवर्तन हो रहा है, नई नगर निगम बन रही है। नगर निगम का देखना है तो राजघाट से और कश्मीर गेट बस अड्डे वगैरह कहीं भी देख लीजिए। सुनता में पेंटिंग तक हो रही है रोडों पे, और सफेदी तक भी हो रही है, और रोड बनने का तो काम जारी है। जो आज 20 साल में नहीं दिखाई देते थे वे 8-10 महीने में दिखाई देने लगे। ऐसा कौन सा काम आपको नगर निगम में लगता है जो पिछले नगर निगम की सरकार और इस नगर निगम की सरकार में परिवर्तन दिखाता है? पहले के पार्षद नहीं सुनते थे, अभी के मेयर तक रोड पे रहते हैं, विधायक तक रोड पे रहते हैं काम करने करवाने के लिए, और कर्मचारी अभी लगभग 3-4 बजे तक रहते हैं। पहले 10 बजे आते थे और 12 बजे चले जाते थे, और सिर्फ हाजिरी भरा जाता था और नाली साफ नहीं होती थी। अब वे 2 बजे देखते हैं जो निगम पार्षद नहीं आया है तो उसका एब्सेंट लगा देता है तुरंत, रोडों में दिखाई देता है कर्मचारी और काम करता है। तीन तीन महीने, चार चार महीने तक एमसीडी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करता था। अब एक तारीख को संडे हो या मंडे, एक तारीख को उसके से लिए मिल ले। पहले नगर निगम की क्या कुछ व्यवस्था थी सफाई को लेकर? नहीं, अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ है। बाईपास पर हम डेली आते जाते हैं, बहुत पूरा लंबा हो गया था, उसको बहुत छोटा हो गया। अब तो लोग देखने के लिए भी बाईपास में लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो लोग कूड़ा के जो ढेर लगा हुआ था वो लगा हुआ नहीं है। यानी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो? परिवर्तन धीरे धीरे होगा, अभी तो 5-6 महीना हो भी किया है, सरकार के आए हुए 5-6 महीना हुआ है, लेकिन आपको परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन हो जाएगा, 1 साल लगेगी, टाइम तो लगेगी उसमें। ऐसा कौन सा काम है जो आपको पिछली निगम की सरकार और इस निगम की सरकार में फर्क दिखाता है? देखिए, पिछली जो नगर निगम थे लूटने आए थे, अपना जेब भरने आते थे। अब क्या है, जनता जैसे समझ गया है कि हम वोट दिए हैं तो काम भी हम लेंगे, और विधायक हो नगर पार्षद हो सबसे मिलते हैं, और ऑफिस हर जगह ऑफिस भी खुला हुआ है कि जनता के सुनवाई होता है तो उस पर काम होता है। मेयर जो हैं नगर निगम में वो खुद टीवी पर आके बोल रहे थे, तू तो जनता के सबके नंबर दे रहे हैं, तो नंबर पर ही फोन करेगा उसका निदान होगा, कहाँ गंदगी है, क्या है, नहीं है। इसके पहले हो रहा, इससे पहले कुछ भी नहीं था। नंबर भी नहीं डायल करते थे नगर निगम वाले कि हमने किस पर कंप्लेंट करे। अब तो सीधे कंप्लेंट नंबर से ही कीजिए कि विधायक आ रहा है कि नहीं, नगर परिषद आ रहा है कि नहीं, आपके क्षेत्र के कौन सा नगर निगम। हर जगह रोड जो है बन रहा है, जो गड्ढा उड्ढा है हर जगह काम चालू है, रिंग रोड के पूरे रिंग रोड पर भी चलिएगा हर जगह खुदाई माने कि हो रहा है, पीच बन रहा है, तो धीरे धीरे सारे चीज कम। गेम से पहले देख लीजिएगा कि दिल्ली और चमकेगी। पहले जो निगम थी अब की जो निगम है, काम में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है? काम में परिवर्तन, क्या परिवर्तन? हर जगह उनका ऑफिस है, वहाँ कंप्लेन करो आज का आज काम होती है। पहले की ऑफिस में काम करने पर सुनवाई नहीं होती थी, कई दिन लग जाता था नाला साफ वगैरह कराने में कोई भी काम, लेकिन अब ऐसा लेट नहीं होता है, आज कंप्लेन करो आज ही काम होती है। ये कल भी बोले हैं टीवी पर आके कि यहाँ पार्टी पॉलिसी नहीं करना है, सभी आदमी मिलकर दिल्ली को चमकाने की कोशिश करे, यहाँ राजनीति करना है जरूरी नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम पार्टी हो, कोई भी हो, उसमें हम दिल्ली सबकी है, दिल्ली सबकी है, दिल्ली सबके लिए कि पूरे भारत के लोग दिल्ली में आते हैं। इस बार जो है दिल्ली के अंदर हम 7 सांसद जो है आम आदमी पार्टी को देंगे। क्यों, वजह? क्योंकि पिछले 5 सालों में देख रहे हैं कि जो सांसद है वो नजर तो आते नहीं है, तो कम से कम हमें ये लगता है आम आदमी पार्टी में कि पार्षद हो या विधायक हो हमारी उस तक पहुंच है। पहले ये होता था कि एमसीडी के कर्मचारी या उनके सीनियर्स जो हैं वो आते नहीं थे, सुनते नहीं थे, फ़ोन करो कुछ भी करो, लेकिन अब एक कॉल पे मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मैं नांगलोई में रहता हूँ, वहाँ पर एक फ़ोन कॉल पे
मतलब नाली भी सफाई होती है, झाड़ू भी लगती है और डेली गाड़ी भी आती है कूड़ा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अभी मुश्किल से मुश्किल 6 महीने होंगे गाड़ी आना शुरू हुई है। पहले ऐसा होता था कि बस बोलते रहो, कोई सुने तो सुने, नहीं तो नहीं। ये दिल्ली की आम जनता है, कह रही है कि निगम में काम हो रहे हैं। चाहे दिल्ली की पहचान पहले 3 कूड़े के पहाड़ों से होती थी, उन कूड़ों के पहाड़ों को कम करने की बात हो रही है, या फिर दिल्ली के सौंदर्यीकरण की बात हो, क्योंकि दिल्ली सरकार के माध्यम से ही दिल्ली निगम जो लगातार कार्य कर रही है, उसी के चलते दिल्ली की जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है। ऐसे में दिल्ली की जनता को भी उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में सफाई बरकरार रखना, सौंदर्यीकरण बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को पूरी तरीके से पूरा दिल्ली नगर निगम करती हुई भी दिखाई दे रही है।